बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और मैं हाजिर हूं एक और नई और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, ये देखने के बाद आपकी, मैं यकीन से कह सकता हूं, नींदें उड़ जाएंगी और आप ये बात सोच पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। क्योंकि आज का जो ये वीडियो है, इसका मौजू बहुत इंटरेस्टेड है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपने लैपटॉप लिया है या आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो क्या वही, उसकी स्पेक्स वही हैं जो आपने लिया है? कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो गया? आपने पैसे दिए हैं i7 के और आपको मिल गया है i3 या कोई और? तो दोस्तों, ये सब बताने के लिए मैं हाजिर हूँ कि मार्केट में किस तरह आप लोगों को धोखा दिया जाता है और ज़्यादा पैसे लेके कौन सी चीज़ आपको दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और मैंने अभी आगे ऐसे कुछ चैनलों की वीडियोस भी एक्सपोज करनी है जो आप सबको धोखा दे रहे हैं। मैं उनको नोट कर रहा हूँ जिन चैनलों पे सिर्फ धोखेबाजी हो रही है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको कहते हैं ये काम करो इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे कर लो ये हो जाएगा, इतने डॉलर मिल जाएंगे। और जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका एंड रिजल्ट ज़ीरो है और ये उसने उस वीडियो में बिल्कुल बकवास की होती है सब कुछ और आप सबको धोखा दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने उन लोगों को भी तलाश कर रहा हूँ जिनको मैंने आगे जाके अपना टारगेट करना है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा ये लैपटॉप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी स्पेक्स। सबसे पहले माई कंप्यूटर पर प्रॉपर्टीज में जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या शो, ये इंटेल है पेंटियम CPU, ये है मॉडल शो है और 4GB है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये सिस्टम है और मैं अगर मार्केट से ये खरीदता हूँ तो वो, अब मैं उन्हें पैसे कहता हूँ कि मुझे i7 चाहिए, वो इस लैपटॉप की जगह यहाँ पे मुझे शो करा देंगे i7, जबकि वो i7 ही होगा, वो पेंटियम होगा। वो किस तरह होगा, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उनका ये तरीका वारदात। करना क्या है, विंडो प्लस R टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है REGETIT और एंटर कर देना है। यस, अब उसके बाद वो करते क्या है, लोकल मशीन में जाते हैं। लोकल मशीन जाने के बाद वो हार्डवेयर में जाते हैं। हार्डवेयर में जाने के बाद वो डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद सिस्टम में जाते हैं। सिस्टम में जाने के बाद ये सेंट्रल प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यहाँ जाके वो ज़ीरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे आपके लैपटॉप की वो स्पेक्स आ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा रहा है प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग और यहाँ पे मेरा ये नाम शो हो रहा है कंप्यूटर का। अब वो करते क्या है, इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके इसका सारा चेंज कर देते हैं। अब जैसे ये पेंटियम है, इधर वो कोर i7, साथ में पेंटियम भी लिख देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं वो लोग, इसको वो ओके कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका नाम और i7 हो गया, ये चेंज हो गया। अब हम जब उन लोगों के पास कंप्यूटर अपना खरीदने जाते हैं तो हमें इसके स्पेक्स दिखाते हैं कंप्यूटर की, यहाँ से शो कराएंगे, देखे जी ये i7 मैंने आपको दे दिया है। हम बड़ी खुशी खुशी अपने सारे पैसे उनको देते हैं और ये सिस्टम ले जाते हैं। और कुछ दोस्तों को मैंने देखा है जब उनके साथ ऐसा हुआ होता है, यानी कि वो कहते हैं हम तो यार i7 लेके आए थे, इतनी रैम भी लगी हुई है बीच में, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, ना उसकी स्पीड है ना वो सही काम करता है, हम तो तंग आ गए हैं इससे। तो दोस्तों, असल में उनके साथ हुआ ये होता है, यानी कि वो बेचारे
लुट गए होते हैं। इसी वजह से मैंने मेरा मकसद सिर्फ आज ये है कि अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए या जिन दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है वो कम से कम वो अपने सिस्टम को दोबारा से चेक करा सके। इसी तरह दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो एक हार्ड डिस्क को किस तरह इंक्रीज करके दिखाते हैं, यानी कि वो मेरी हार्ड डिस्क अगर लगी हुई है, ये देखें ये 3 हार्ड डिस्क शो कर रहा है, यानी कि ये तकरीबन 500 GB मेरी हार्ड डिस्क है। अब वो आपको ये 5 कोर 1 TB 2 TB किस तरह करके दिखाते हैं, पर वो उनका तरीका बाजार ये है, ये मेरी एक हार्ड ड्राइव में वो एक फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ 1, ये मेरी उस ड्राइव में बनाता है। अब वो करते क्या है, रन में जाते हैं, इधर लिखते हैं CMD और उस ड्राइव में चले जाते हैं, यानी कि CD \ अब उस ताके अब जहाँ पे मैंने वो अपना फोल्डर बनाया हुआ है उस ड्राइव में चले जाते हैं। उसके लिए वो लिखते हैं sub -e space। अब मैं यानी वो ड्राइव थी मेरी F, तो मैं इस F की जगह अब ड्राइव बना देता हूँ G। जी है तो नहीं, जी बना देना, इधर वो नाम लिख लेंगे जी, ठीक है तो स्पेस। अब मेरी वो F ड्राइव में पड़ा हुआ है फोल्डर \1 और एंटर। अब वो इधर आ गया है। इसी तरह अब मैं एक और ड्राइव बना लेता हूँ, के बना लेता एंटर। अब दोस्तों अब मैं आपको शो करवाता हूँ, ये देखें मेरी एफ तक ड्राइव थी, अब वो 75 GB की एक और शो कर रहा है, 75 GB की और शो कर रहा है। अब मैं जितनी भी चाहूँ इधर ड्राइव बना सकता हूँ, ये खुल भी जाती हैं, इनके अंदर फोल्डर भी बन जाते हैं, काम भी होता है सारा, लेकिन ये फर्जी ड्राइव है, यानी कि वो यहाँ पे अगर 500 GB लगी होगी वो आपको शो करा देंगे कि हमने 1000 GB लगा दी है, 2000 GB लगा दी है, आप भी देखेंगे हाँ यार ये तो लगी हुई है, ठीक है ड्राइव काम भी कर रही है, आप वो लेके घर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर आप समझते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके और आता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं मज़ीद इस किस्म के लोगों को एक्सपोज कर सकूँ, ताकि उनकी ये जो वो गलत काम कर रहे हैं उनको हम पकड़ सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे भी, Gmail+ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ भी जाए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा वीडियो मेरी पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।